सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु देवं सदा परिहव नमवीष्टदेहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाभ्युपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबल मान की है आरती पापियों को पाप से तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हर ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पाप से तार दी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी ये मधुर खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मृग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सक पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही 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 प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती 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 श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती हरि ओम आन गंगा धीमहि
तन्नो श्रीमद्भागवत् प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पांजलि श्रीकृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री भागवत चरणार्पणमस्तु। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। परम दयाल वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानि शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदयते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशे विभूषितकरान्
नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्णा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare बाल कृष्ण भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय व्यासदेव भगवान की जय शुकदेव भगवान की जय सदगुरु भगवान की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु तड़िद्यत विनंदित पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण लाल का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए सभी संत जन विद्वत जनों को प्रणाम। आप सभी मेरे सामने उपस्थित सभी श्रोतागण एवं भक्तिमयी माताएं सभी को व्यासपीठ से प्रणाम। जय श्री कृष्ण जय सियाराम राधे राधे। नगर भवानी मंडी में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का आज दिव्य शुभारंभ हो रहा है प्रारंभ हो रहा है। आज का जो काल है आज का जो समय है बड़ा प्यारा है। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जिस दिन ठाकुर जी इस धरा धाम पर पधारते हैं उस दिन सारे जोग लगन सब अनुकूल हो जाते हैं।
असमय अकाल भी शुभ हो जाता है, अशुभ भी शुभ हो जाता है। ऐसा यह पावन काल पर्व काल। मैं कथा का शुभारंभ करूं उससे पहले, आज ठाकुर जी का चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान का मध्य दिवस में प्रभु श्री अवध धाम में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भगवान राम लला सरकार का प्रागट्य हुआ है। तो व्यासपीठ से सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। राम लला जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई व्यासपीठ से, बहुत बहुत बधाई जन्मोत्सव की, क्योंकि ठाकुर जी तो हमेशा निरंतर वास करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए नवनूतन आनंद लीला करते हुए, आनंद मनाते हुए ये सब उत्सव मनाए जाते हैं। तो ये रामनवमी का बड़ा प्यारा उत्सव है और इसमें अयोध्या धाम को बड़ा दिव्य रूप से सजाया गया है। बड़ा दिव्य आनंद है अयोध्या धाम का। वैसे तो अब की जो अयोध्या धाम का जो जन्मोत्सव है उसका अनूठा रंग है, हाँ उसका अनूठा आनंद है। वैसे भी एक मन में हमेशा टीस लगी रहती थी कि मंदिर नहीं बना, मंदिर नहीं बना। हम अयोध्या धाम में कथा करने के लिए गए तो भाव यही था कि कथा इस बार तो हुई है सरकार के यहाँ पर, लेकिन जब मंदिर निर्माण हो जाएगा तो फिर एक बार रामलला सरकार के यहाँ आएंगे, ऐसी हम प्रार्थना करके वहाँ आए थे। तो बड़ा प्यारा स्थान है अवध धाम, और जहाँ राम है वही अवध है ऐसा भी कहा गया है। जहाँ राम का निवास है वहाँ अयोध्या हो जाती है, जहाँ राम जी का नाम गाया जाता है जहाँ राम तहाँ अवध निवासा, अयोध्या है। तो बड़ा प्यारा पावन समय है आज का, रामनवमी है, दूसरा पर्व काल है नव दुर्गा महोत्सव जो होता है। मैया चामुंडा मैया, दुर्गा मैया, भवानी मैया, उसका भी आज पूर्णता की ओर, नवरात्रि पूर्णता की ओर जा रही है। तो ये भी सुंदर पर्व काल है। जगदम्बा मैया का भी नवरात्रा काल पर्व काल चल रहा था, नवरात्रि के दिन चल रहे थे, और तमाम भक्त लोग अपने अपने भाव से अनुष्ठान करते ही हैं। ये जो पर्व काल आते हैं इनमें कोई भी कार्य, भगवत कार्य करेंगे तो कई गुना उसका फल हो जाता है। भगवत कार्य करने का भी कई गुना हो जाता है, और ऐसे समय में कोई पाप कर्म करे तो उसको भी कई गुना वो हो जाता है। हाँ, पाप और पुण्य पर्व काल में अधिक उसका बढ़ोतरी हो जाती, इसलिए कहा गया है कि पर्व काल में पुण्य करना चाहिए, अधिक पुण्य करने से वो कई गुना बढ़ जाता है पुण्य। तो ऐसा सुंदर यह पर्व काल। अब मैं प्रारंभ करूं उससे पहले प्रारंभिकता में कुछ चर्चा कर लूं, क्योंकि भवानी मंडी में हमारा पहला आयोजन यहाँ हो रहा है। वैसे रामगंज मंडी में आपके पास में तो कई आयोजन हुए हैं, करीबन 5-7, 5-6 प्रोग्राम कथा के वहाँ हो गए रामगंज मंडी में, और रामगंज मंडी के आसपास के क्षेत्र में करके करीबन 20-25, शायद मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा, हाँ इससे ज़्यादा हो गए हों, लेकिन रामगंज मंडी से ज़्यादा भवानी मंडी नहीं है। पर ठाकुर जी का योग नहीं था, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैंने कहा हो सकता है भवानी मंडी का कोई और इतिहास रहा हो, लेकिन मंडी का एक दूसरा अर्थ मंदिर भी होता और भवानी मने जगदम्बा होता है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था, मैंने कहा यहाँ कई कोई समय में पुराना प्राचीन जगदम्बा का मंदिर भी रहा होगा, और हम जहाँ बैठे थे तो बालकृष्ण भगवान के घर में हम बैठे, तो वहाँ से सामने जब हमने देखा तो नज़र पड़ी तो वहाँ भी दुर्गा मंदिर था। और फिर हमने गौर किया तो जब जहाँ से कलश यात्रा लेके आए तो मंदिर का क्या नाम है, क्या नाम, कालेश्वर, कारवा, कालवा, कालवा स्थान है। लेकिन एक विशेष बात देखी हमने, ठाकुर जी का स्थान है, हनुमान दादा का स्थान है, लेकिन हनुमान दादा के जस्ट पीछे की तरफ
जगदम्बा दुर्गा जी का भी स्थान है, वहां पर भी दुर्गा जी का स्थान है, भवानी का स्थान है। तो ये पुरानी प्राचीन भूमि भवानी की भूमि रही है, हाँ मेरा तो ऐसा मानना है। प्रायः भवानी की पूजा तो हर जगह होती है, जहाँ काल भैरव और भवानी की पूजा ना हो कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता है कि जिसके परिवार में सती और भैरव देवी की पूजा ना हो। हर घर में अष्टमी की पूजा होती, कोई घर ऐसा नहीं छूटता जिसमें कुल देवी ना हो और कुल भैरव ना हो। और कोई लोग ऐसा समझते हो कि हमारे कुल देवता या कुल भैरव या कुल देवी नहीं है, और जो मानते नहीं है वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। उन लोगों को देखा है, हम पूछते हैं पहले जब कोई परेशान होकर के हमारे पास आता है ना, सारे दरवाजे उसके बंद होते हैं, तो हम देखते हैं उसको, पूछते हैं कि तू तेरी कुल देवी को मानता है, कुल भैरव को मानता है? तो कहीं ना कहीं मूल में हर व्यक्ति के कुल भैरव और कुल देवी जरूर होती है, और जो व्यक्ति नहीं मानता है वो हमेशा परेशान रहेगा, वो धन से भी परेशान रहेगा, रोगी भी रहेगा, वो तमाम उसके घर में कोई ना कोई अड़चन विडंबना आती ही रहेगी। तो ये तो जब हमारा जन्म होता है उसके साथ साथ ही इनका साथ हमारे साथ हो जाता है, कुल देवी का और कुल भैरव का। तो भवानी मंडी है, मैं तो कहूं कि जगदम्बा शक्ति है ना, शक्ति का दूसरा रूप हमारे यहाँ पर वैष्णव परंपरा में बड़ा प्यारा है, श्री राधिका जू, श्री किशोरी जू, और उसी का दूसरा स्वरूप है श्री भक्ति महारानी। और जब तक भक्ति महारानी ना हो, जब तक शक्ति ना हो, तब तक नारायण कुछ नहीं, शिव नहीं। बिना शक्ति के शिव भी शव हो जाता है, बिना शक्ति के शिव का कोई औचित्य नहीं। शिव की अगर प्रधानता है तो शक्ति के द्वारा ही है, शक्ति के साथ मिलकर के वह शव शिव हो गया। शिव में अगर ई की मात्रा हटा दोगे तो है ना शव हो जाता है, ठीक है ना। तो शक्ति से संपन्न है, इसलिए भगवान महादेव का आपने स्वरूप देखा होगा, शिवलिंग भी आप देखते हैं तो कैसा पाते हैं, अर्धनारीश्वर। हाँ, आप कभी कभी उज्जैन गए हो, महाकाल बाबा के दर्शन किए हो, तो प्रायः भगवान का अर्धनारीश्वर दर्शन कराया जाता है, अर्धनारीश्वर है महादेव। तो आधे शिव है आधे पार्वती है, दोनों मिलकर के लिंग में विराजमान रहते हैं। भोले बाबा माता पार्वती को छोड़ते ही नहीं है, जो जलाधारी वाला भाग होता है, नीचे वाला जो योनि वाला भाग होता है जिसको बोलते जलाधारी, जिससे जल बाहर निकलता है, वह भाग माता पार्वती का ही माना जाता है। और वह जो भाग है ऊपर, जो भगवान भोले बाबा का ज्योतिर्लिंग विराजमान होता है, वो शिव है, और जो जलाधारी है वह मैया पार्वती है। तो इस तरह से दोनों का शिव शिवा का रूप कभी विलक नहीं होता है। इसी तरह जो भी गृहस्थी है वो बिना स्त्री पुरुष के अधूरा माना जाता है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना स्त्री अधूरी मानी जाती है। घर वही पवित्र होता है जिस घर में गृहिणी का वास हो, जिस घर में मैयाएं रहती है, जिस घर में माताएं रहती है, वह घर पवित्र माना जाता है, पावन माना जाता है। मैं वृंदावन में रहता था तो वहां लोग एक कहावत बोलते थे, कहते थे बिन गृहिणी घर भूत का डेरा, ऐसा कहते हैं। बोले कोई घर हो और उस घर में अगर कोई गृहिणी ना हो तो वो घर घर नहीं होता, फिर क्या रहता है? बोले वो घर भूतों का वास होता, उस घर में भूत रहते हैं। हमारे एक महात्मा है, वो कहते हैं कि महाराज, बोले घर जमता है माताओं से, अगर घर में कोई फक्कड़ रहे तो वो घर जमता नहीं, उस घर में रौनक नहीं रहती। तो घर में उत्सव होता है अगर कोई गृहिणी रहे तो, और आश्रम में अगर कोई फक्कड़ रहे तो आश्रम जचता है। आश्रम में कोई फक्कड़ साधु संन्यासी रहे तो आश्रम की शोभा हो जाती है, कोई फक्कड़ वास करे तो, और घर में माताएं वास करे तो उस घर की महिमा हो जाती है। तो कहते हैं शिवा और शिव
दोनों मिलकर के जगत बनाए, पर मेरा जो यहाँ तात्पर्य है भवानी मंडी में, यहाँ भवानी शब्द का उच्चारण है, इसलिए हम तो मानते हैं कि जगदम्बा की भूमि है, तो ऐसी भवानी मंडी में यहाँ श्रीमद् भागवत का पहला आयोजन, और उसके जो आयोजक परिवार हैं वो बालकृष्ण जी बैरागी वैष्णव परिवार, बालकृष्ण जी भगवान हमारे साथ कई वर्षों से तीर्थों के आयोजन में भी चलते आए हैं, और बड़े सरल स्वभाव है, बिल्कुल सरल स्वभाव के धनी है साहब, हाँ बिल्कुल सरल है, प्रसन्न रहते हैं हमेशा, कोई चेहरे पर अहंकार घमंड हाँ ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं ऐसा हूं और ऐसा हूं, ऐसा कुछ नहीं। और मैंने ये कब जाना, करीबन ठाकुर जी की इच्छा से यह शरीर 20-25 वर्षों से तीर्थों में आयोजन कर रहे हैं, आयोजन होता है और जितने भी धाम हैं वहाँ पर आयोजन हो चुके, और अच्छे अच्छे सिद्ध स्थानों पर भी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन हुए, तो उसमें हमारे पीपाखेड़ी के श्याम जी मारसा, और वो सबसे पहले राजस्थान की भूमि में जुड़े थे, तो वहाँ से फिर भगत लोगों को ले जाते, तो आपके साथ बहुत सारे भगत लोग होते थे, मार साहब भी साथ में जाते थे, और करीब करीब 14-15 साल तक आप साथ में गए, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता और आपने परिचय ही नहीं कराया, और ना आप कभी मुझे कमरे में आके ऐसे मिले। एक दिन अचानक शुक्रताल में पहले कथा हुई जब नहीं मिले, आए थे आप उस समय भी, लेकिन जब दोबारा शुक्रताल कथा हुई तब अचानक से कहीं मिलना हो गया, कमरे में आ गए और बातचीत हुई, बोले महाराज मैं जहाँ भी कथा होती हूँ हर कथा में आपके साथ चलता हूँ, मैं उस दिन आपको जाना कि कितने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं, कि इतने दिनों से यहाँ सेवा भी दे रहे हैं, इतना आनंद भी ले रहे हैं सालों से, लेकिन कभी सामने नहीं आए, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। तो ऐसे सरल स्वभाव के धनी हैं साहब, उस दिन में सब, और ये बहुत कम मिलता है साहब, ये बहुत कम मिलता है, व्यक्ति अगर 500 रुपये 1000 रुपये भी कहीं दान करता है ना, या कहीं देता है धर्म में, तो उसके नाम की पर्ची लिखवाता है, उसका नाम बुलवाता है कि मैंने इतने दिए हैं, अरे 100 रुपये भी दे तो मेरा नाम माइक में आना चाहिए, लेकिन आपके द्वारा जो भी दान राशि आई या आप वहाँ पहुँचे, तन से मन से धन से जो भी सेवा करी, लेकिन आज तक कभी सामने नहीं आए कि मैंने ऐसा करा, ये बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा होती है, वही व्यक्ति ये कर सकता है, बाकी तो हर किसी के बस में होता नहीं। तो हमारे बालकृष्ण जी बैरागी जी, आपके बहुत दिनों से इच्छा थी कि महाराज कथा का आयोजन होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि भगवान की जब इच्छा होगी तब ये आयोजन होगा, और करीबन चार वर्षों से प्रयासरत है, मैं भी सोचता था कि कथा मुझे करना है, लेकिन जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो जाए तब तक संभव नहीं हो सकता, बीच में कोई ना कोई फिर व्यवस्था कुछ हो गई, फिर आगे कुछ हो गई, फिर कोरोना आ गया, साल भर वो निकल गया, फिर दूसरा साल फिर निकल गया, और इस वर्ष भी शायद ठाकुर जी की ही इच्छा से हुआ है, नहीं तो फिर अगले साल जा रहा था, हाँ हो सकता था, कोई ठीक नहीं था, 5 वर्ष होने जा रहे थे, लेकिन भगवान की महती कृपा, भगवत कृपा, मुझे कभी कभी भागवत जी का एक श्लोक याद आता है, कथा करने वाला बांचने वाला तैयार, कथा सुनने वाले तैयार, आयोजक कथा करने वाले आयोजक तैयार, रुपया पैसा सब इकट्ठा पड़ा, लेकिन फिर भी अगर भगवान की कृपा ना हो तो ऐसे भगवत कार्य नहीं हो सकते हैं, हाँ भगवत कार्य नहीं हो सकते हैं, सब कुछ होने के बाद में भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी। मुझे भागवत के महात्मा का एक श्लोक है बड़ा प्यारा, मैं सुनाया करता हूं, और उसमें भागवत जी की जो महिमा बताई है अद्भुत है, उसमें लिखा है कि भागवत की कथा कौन करा सकता है। कई लोग ऐसा समझते हैं आज के समय में कि अरे कथाकार बहुत है, जब चाहे जब मर्जी में आए जब कथा करा लेंगे, नहीं, भागवत का एक श्लोक है, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं,
कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च पुरुषौ लभतो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भागवत के महात्म का ही श्लोक कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। भाग्योदयेन, जिसके भाग्य का उदय हुआ है, पहला शब्द भाग्योदयेन माने जिसके भाग्य का उदय हुआ है। बहुजन्म, बहुत सारे जन्म, समर्जितेन एकत्र कर लियो, एकत्र क्या कर लियो, पुण्य, बहुत सारे जन्म के पुण्य जिसने इकट्ठे कर लिए हो, पहला जिसके भाग्य उदय हो गए हो, दूसरा जिसने बहुत सारे पुण्यों को इकट्ठा किया हो, वो व्यक्ति भगवान की कथा में आकर के बैठ सकता है, भगवान की कथा को करा सकता है, भगवान की कथा को सुन सकता है, भगवान की कथा के आयोजन के निमित्त उसका मन बना सकता है, भगवान के आयोजन के लिए वो कुछ पैसा इकट्ठा कर सकता है और अपना समय देकर के अच्छे से अच्छे स्वरूप को बना करके वो आयोजन करने का जब उसका मन बने, समझो उसके पुण्य इकट्ठे हुए हैं, ऐसा ये कह रहा है, श्लोक कह रहा है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुजन्म समर्जितेन, आगे क्या होता है, सतसंगमं च पुरुषौ लभतौ यदा वै, उसी व्यक्ति को सतसंग का लाभ प्राप्त होता है। किसको, बोले जिसने बहुत जन्मों के पुण्य को इकट्ठा किया है। सतसंगमं च पुरुषो लभतो यदा वै, सतसंगमं च पुरुषो लभतो यदा वै, वही सत्संग सुन सकता है, उसी का सत्संग में प्रेम हो सकता है, वही कथा करा सकता है। और जिसको सत्संग प्राप्त होता है, एक बार वो सत्संग में प्रवेश कर ले तब ही जाकर के उसको विवेक प्राप्त होता है, आगे वाला श्लोक बोलता है, यही श्लोक का चौथा चरण बोलता है। और इसी बात को तुलसी बाबा ने भी स्पष्टीकरण करके रामचरितमानस में दिया है, बिनु सतसंग विवेक न होए, बिनु सतसंग विवेक न होए, बिनु सतसंग विवेक न होए, बिनु सतसंग विवेक न होइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोइए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोइए, बिनु सत्संग विवेक न होइए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोइए, 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 बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग, राम कृपा जय हो सुलभ न सो,
सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना कृपा के, बिना पुण्य जन्म पुण्य कर्मों के द्वारा जब तक भाग्य उदय नहीं हो तब तक व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता, और बिना सत्संग के व्यक्ति के मन में, व्यक्ति की बुद्धि में विवेक की जागृति नहीं होती है। विवेक जागता है सत्संग के द्वारा। विवेक क्या है? विवेक का मतलब है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। ध्यान दीजिएगा, कई लोग केवल जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, रुपया पैसा कमाते हैं, कुछ बच्चों के लिए जोड़ जाते हैं, कुछ को यही पता है कि केवल मैंने जन्म इसलिए लिया है कि पैसे कमाना। अब वो रुपया कैसे ही कमाया जाए, चाहे झूठ बोल के कमाया जाए, चाहे लोगों का गर्दन काट के, गला काट के कमाया जाए, चाहे कुछ भी करके रुपया कमाना। रुपया कमाना क्यों है भाई, उसका उसको पता नहीं। बस उसको ये पता है रुपया कमाना है, मुझे इकट्ठा करना है, मुझे 5 मंजिल बिल्डिंग बनाना है, मुझे मर्सिडीज में घूमना है, क्योंकि वो सुखी है। उसको ये पता है कि ज़्यादा रुपया आने पर सुखी हो जाता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ना, घूमते रहते हैं, संत हृदय व्यक्ति घूमता रहता है, लोगों को देखता है। हमारे जैसे लोग तो कई जगह भी जाते हैं और देखते हैं कि कई करोड़पति लोगों को हमने पूछा कि महाराज तुम्हारे पास पैसा आ गया तो तुम सुखी हो? हाँ, बोले महाराज हमारे बराबर दुनिया में कोई दुखी नहीं। मैंने एक सेठ जी को पूछा, सेठ जी क्या खाते हो, तुम तो खूब रसगुल्ला खाते होंगे, गुलाब जामुन खाते? बोले कहाँ खाते हैं। बोले 200 साल से बंद है। क्यों? बोले ये कहाँ भाग्य में है, गुलाब जामुन तो तब तक था जब तक जेब में नोट नहीं था। हाँ, जेब में रुपया नहीं था ना, तब तक गुलाब जामुन रसगुल्ला खा सकते थे, लेकिन जब फूल फाल हो गए ना तो डॉक्टर ने मना कर दिया, ज़्यादा खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, एक अटैक आ गया है, ज़्यादा तेल घी खाओगे तो फिर कोई ठीक नहीं है, इसलिए ये भी बंद करो। मूंग की दाल खाते हैं वो भी बिना बघारी, हाँ उसमें भी ज़्यादा घी तेल नहीं चाहिए, 2-4 फुलके खाते हैं महाराज, बस ऐसे ही चलता है। तो मैंने उसको कहा सेठ जी को, फिर तुम में और हम में क्या अंतर है, तुम करोड़पति हो और हम वैसे ही पक्कड़ हैं, पक्कड़ जीवन जीते, आनंद लेते, कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, वाह वाह रे, तुम भी मूंग की दाल खाते हो हम भी खाते हैं, तुम फुलका खाते हो हम भी खाते हैं। तो फिर तुम्हारे जैसे ही हो गए ना तो प्रणाम करने लगे, बोले महाराज तुम तो हमसे ज़्यादा हो, आपकी पूजा तो हमसे ज़्यादा होती है। मैंने कहा सेठ जी, लेकिन लोग केवल जीवन में पैसा पैसा, रुपया रुपया करके ही मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन पैसे से शांति नहीं मिलती है। जो शांति है, आनंद है, वो तो हृदय का विषय है, आत्मा का विषय है, आनंद तो आत्मा का विषय है, वहीं से आनंद प्राप्त होता है। सुख में अंतर है आनंद और सुख में, लेकिन देखो सुख शरीर का होता है, आनंद आत्मा का होता है। हाँ, गर्मी लगी है तो कूलर चाहिए, ये शरीर का सुख है। गर्मी लगी है तो थोड़ा कष्ट हुआ तो पंखा लगा दो, ठंडक हो जाएगी, थोड़ा कूलर लगा दो तो ठंडक हो जाएगी, शरीर को आराम हो गया, सुख मिल गया। लेकिन कई लोग कहते हैं आनंद हो गया, ये आनंद नहीं। आनंद तो विषय, जो आनंद का विषय है आत्मा, आत्मा का विषय है आनंद, आत्मा का संबंध है आनंद से और आनंद का संबंध है आत्मा से। सुख और दुख का संबंध है शरीर से, लेकिन हमको पता ही नहीं।
हम तो कहते हैं आनंद आ गया। गुलाब जामुन खाते हैं जो जीभ के ऊपर 2.5 इंची का जो चमड़ा है उसके ऊपर जैसे स्वाद गया, बढ़िया बढ़िया तीखा गया, अच्छा मिर्च वाला गया, बढ़िया मीठा, आनंद आ गया। रसमलाई जैसे ही मुंह में घूमने लगी आनंद आ गया। सो रबड़ी गई तो आनंद, वो जैसे जीभ पर स्पर्श होता है ना उसको वो स्वाद पसंद है, तो हम सोचते हैं आनंद आ, आनंद नहीं, हमारी रसना ने, हमारी जीभ ने वो स्वाद चखा तो हमारी जीभ को सुख मिला, इसलिए हमने सोचा कि आनंद आ गया। लेकिन आनंद का जो संबंध है वो आत्मा से, हमको सुख हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है। तो सुख मिल सकता है संसार से, लेकिन आनंद तो भगवान की कथा से ही मिलता है। जो भगवान से जुड़ जाता है उसको आनंद का अनुभव होगा। तो भगवत कृपा से ये विवेक जागृत हो जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमको क्या करना चाहिए, सही कर्म कैसे करना चाहिए। कई लोग तो आज के समय में मनमाने तरीके, क्योंकि महाराज अभी ये थोड़ा 10-20 सालों में जो प्रचलन आया है, वैसे कथाएं पहले भी होती थी लेकिन प्रारंभ में जो कथाएं होती थी वो एक छोटा सा तख्त होता था, हमने भी कथा करी है उस समय में, छोटा सा एक तख्त, एक माइक, एक छोटा सा माइक रहता, ये बक्से बक्से इतना नहीं होते थे, हाँ, और 10-20 लोग 50 लोग बैठ जाते थे, कथा सुन लेते थे और आनंद होता था, बस इतना ही रहता था। लेकिन अभी 20-25 वर्षों से जो एक चला है, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में, हर गांव में, हर शहर में कथा का आयोजन होता ही है, और अधिक से अधिक संख्या में भगत लोग जाते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन भगत लोगों की भीड़ तो बहुत होती है, पर सही क्या होता है, गलत क्या होता है, वो आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते, और आधा सुनते हैं आधा नहीं सुन के जाते हैं, फिर मनमाने तरीके से ही वो सब नियम कर लेते हैं। और कई लोगों को पूजा पाठ करने में जब तक आप नियम का बर्ताव नहीं करोगे, पूजा पाठ में अगर नियम संयम का ध्यान नहीं रखोगे तो कई जगह उल्टा भी हो जाता है। इसलिए अगर नियम संयम से पूजा पाठ करना है तो उसमें नियम होना बहुत जरूरी है। हाँ, राम 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 का भजन करो, उसमें कोई नियम नहीं, राम राम का जपन करो, सोते जागते खाते पीटते खाते पीते भी आप राम राम बोलोगे तो कोई बात नहीं, सोते हुए भी राम राम बोलोगे तो कोई बात नहीं, चलते फिरते भी बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम की जगह मंत्र का हम जाप करते हैं और पूजा पाठ में, जीवन में पूजा पाठ को धारण करते हैं तो उसके नियम संयम व्यक्ति को जरूर पालन करना चाहिए, तभी जाकर के उसका पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कथा के माध्यम से विवेक की जागृति होती है, सही क्या है, गलत क्या है, ये सब पता लगता है। तो आज प्रथम दिन है, प्रथम दिवस में आज केवल मंगलाचरण कर ले। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कथा का समय रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक। आप लोगों को कल से आने में कोई तकलीफ तो नहीं, गर्मी वर्मी तो नहीं लगेगी, इतना सब समय से आ जाएंगे, नहीं तो और 2:30 बजे 3 बजे शुरू करें, 2 बजे से ठीक है। तो आप सब लोगों से प्रार्थना है, सभी से 2 बजे आप पधारा करें, 2:15, 2:05, 2:10 पे मैं यहाँ आ जाया करूँगा, और 2 से 5 बजे तक का आयोजन, यही समय ठीक है ना, बराबर है, तो 2 बजे से 5 बजे तक समय रहेगा कथा का। और ठाकुर जी की कृपा अनुसार, भगवान सद्गुरुदेव की कृपा के अनुसार, जो वो बुद्धि देंगे, जैसा जैसा वो बताते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वैसा वैसा हम आपको सुनाते जाएंगे। भगवत कृपा, सद्गुरु कृपा से ही कोई वक्ता कथा कर पाता है, बाकी उसकी कहाँ ताकत होती है जो वो व्यासपीठ पर बैठ करके सुना पावे। भगवान ही आकर के, ठाकुर ही कृपा करता है, तो वक्ता, मैं तो हमेशा कथा में कहता हूँ, वक्ता तो बांसुरी की तरह होता है, बांसुरी की तरह वक्ता होता है, उसमें फूंक लगाने वाला कृष्ण कन्हैया होता है, जब उसकी बांसुरी बजती है तो बड़ी मीठी बजती है, बड़ा प्यारा आनंद आता है। और वक्ता को खाली होकर के ही बैठना चाहिए, उसमें ठाकुर अपना सद्गुरुदेव जब फूंक लगावे तो उसका आनंद एक अद्भुत होता है। और शाम की जब मुरली बजती है तो वो मोहित करने वाली होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसी दिव्य भागवत कथा जिसमें 4 अक्षर है, भागवत, और भागवत का बड़ा
सुंदर अर्थ है हमारे विद्वानों ने किया है, जिसमें चार अक्षर है भागवत। सबसे पहला अक्षर है भा, भ मने होता है भक्ति, पहला अक्षर भा, भ मने भक्ति। दूसरा अक्षर है गा, गा मने ज्ञान। तीसरा अक्षर है व, व मने वैराग्य। और चौथा अक्षर है त, त मने त्याग। भागवत में चारों का ही समन्वय है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भक्ति से शुरुआत करनी है, ज्ञान अपने आप आ जाएगा, और जिसको ज्ञान आएगा उसको संसार से अपने आप विरक्ति होगी, भले ही वो घर में रहे लेकिन उसके मन में वैराग्य जागृत होगा। और जो वैरागी हो जाएगा उसके अंदर अपने आप त्याग होगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन शुरुआत प्रारंभिकता करनी पड़ेगी भक्ति से, भक्ति महारानी की कृपा होगी, ज्ञान की कृपा होगी, वैराग्य जीवन में आएगा, त्याग आएगा, तो फिर वो मुरली वाला अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए कहते हैं भागवत की कथा जो व्यक्ति श्रवण करता है उसके जीवन में भगवान का दर्शन उसको होता है, कभी ना कभी उसको दर्शन होगा। अगर इतने पुण्य नहीं बढ़े तो उसको महसूस हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान की कृपा का महसूस उसको हो जाएगा कि हाँ भगवत कृपा है, भगवान है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा आया है कि व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा का जो एक बार भी अपने जीवन में आयोजन कराता है, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए जो कथा का आयोजन कराता है, उसके सारे पितर तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। जो भी कई अनेक गलत जगह पर गए हुए हैं, बुरे कर्म करके नरकों में पड़े हुए हैं, उनका उद्धार एक भागवत कराने मात्र से हो जाता। दो भागवत कराने पर देवता प्रसन्न हो जाते हैं, तीसरी भागवत कराने पर उसके ऊपर जितने ऋण होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। और कहते हैं अगर सात भागवत व्यक्ति अपने जीवन में करा ले तो उसके यहां पर जितने गते उगते या जो प्रेत आत्माएं होती है तमाम, और उसके पिछला जो प्रारब्ध होता है, उसने जो कर्म किए हैं वो सब समाप्त होकर के कर्म अकर्म, और आखिरी में उसको भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बोल भागवत भगवान की जय। जय व्यक्ति के जीवन में उसको ऐसे कर्म करते रहना चाहिए। और अपने गांव नगर में कराए आनंद की बात है, लेकिन तीर्थों में बैठकर के कथा सुने और तीर्थों का आयोजन कराए तो उसकी तो महिमा अनंत गुना है, कई गुना है, कि जो व्यक्ति तीर्थों में बैठकर के कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करे। तो मेरे सामने दो तीन भगत बैठे हैं, हमारे प्रधान जजमान भी बैठे हैं सबसे पहले, दूसरे हमारे नंदलाल जी आए हैं रामगंज मंडी से, आप भी कई वर्षों से हमारे साथ कथा में जा रहे हैं, आपने भी 3 वर्ष पूर्व रामगंज मंडी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया था, आपके इसी रोड पर है ना, जुलमी रोड पर, वो रोड अलग हो जाता है, ये यही इधर से भी भवानी मंडी आते हैं ना, जुलमी रोड पर कौन सी कॉलोनी, एच एस कॉलोनी, हाँ एच एस कॉलोनी में आपके द्वारा बड़ा दिव्य आयोजन हुआ था, खूब आनंद आया था 7 दिन। और आप भी हमारे यहाँ प्रतिवर्ष जो भी तीर्थों में आयोजन होते हैं तो जाते हैं, और इतने सालों से जा रहे हैं, अब वृद्धावस्था आ गई लेकिन फिर भी चल रहे हैं, जा रहे हैं। और मेरे साथ तो बुजुर्ग बहुत सारे जाते हैं, और मैं उनको कहता हूँ कि आप मेरे साथ तीर्थों में चल रहे हो ना तो साल भर में 4 जो हो जाते हो, अगर रुक जाओगे तो बैठ जाओगे, इसलिए चला करो, वहाँ जाओगे तो साल भर और चार्जिंग हो जाओगे, चार्ज हो जाओगे, बढ़िया शरीर काम करेगा। अब आधी व्याधि तो ये लगी रहती है शरीर में, लेकिन भगवत कृपा अद्भुत प्राप्त होती है तीर्थों में, तीर्थों का आनंद अद्भुत होता है, तीर्थों की भूमि में बैठकर के कथा सुनना उसका आनंद अलग है। लेकिन जहाँ स्थान पर कथा सुने अपने अपने गाँव में नगर में, उसकी भी अमित महिमा है। तो महाराज आज उसका शुभारंभ कर लें, भागवत की महिमा अनंत है। शुरुआत में कुछ महिमा हम श्रवण करेंगे, भागवत का सर्वप्रथम महात्म का श्लोक हम श्रवण करें,
कुछ बातों का जरूर ध्यान दें। देखो कथा सुनने के लिए जैसे हम नियम से कथा सुनाते हो और आप सुनते हो, तो उसमें कुछ चीज़ों का, वैसे तो यहाँ छठे अध्याय में उन बातों का विवरण किया गया है, लेकिन मैं प्रारंभिकता में ही आपको बता दूँ। जैसे कथा हम सुनते हैं तो सबसे पहले बैठने की व्यवस्था आती है कि हम बैठे कैसे, यहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि कथा जो होती है ना, श्रोता और वक्ता, जैसे श्रोता होंगे वैसे ही वक्ता के अंदर से वाणी निकल करके बाहर आएगी। जैसे श्रोता होंगे, हमने ये बहुत अनुभव किया है जीवन में, 450 से ऊपर कथा हमने कर ली, तो ये जीवन में अनुभव हो गया कि जैसे जैसे श्रोता होंगे वैसे वैसे कथाएं बाहर निकल करके आती है। और तुलसी बाबा ने भी कहा है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहला नंबर लिया गया है श्रोता का। अगर वक्ता से भी कोई बड़ा होता है तो वो है श्रोता। हमारे संत लोग उदाहरण भी देते हैं, श्रोता कौन बोले, जो जमीन पर बैठता है उसको क्या बोलते हैं मालूम आपको? जो जमीन का मालिक होता है वो कौन? जमींदार। जमीन का मालिक जमींदार। और जो चौकी पे बैठे वो चौकीदार है ना। तो आप जमींदार, हम चौकीदार। और वास्तव में अगर देखा जाए तो वक्ता चौकीदार ही होता। चौकीदार का काम है समाज, जो सो गए हैं लोग उनको जगाना, और यही तो वक्ता का काम है, जो समाज सो गया है उसको समय समय पर जगाते रहो, उठाते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हमारे संत गाते हैं, अब रेन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहा जो सोवत है, टुक नींद से अखियां खोल जरा, टुक नींद से अखियां खोल जरा, और
अपने प्रभु को ध्यान लगाओ रे, अपने प्रभु को जावत है जो सोवत है, सो कोवत है जो जागत है, सो पावत है जो सोवत है, सो खोवत है जो जागत है, सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अवरेन, भाव से ताली सेवा करते हुए आनंद लीजिए। हरि बोलो, करनी नादान भुगत अपनी करनी, पापी पाप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, अब शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ राग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो जैसा श्रोता वैसी ही कथा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुड़। तो श्रोताओं को कम से कम कुछ नियम का पालन करना चाहिए, उन नियमों में मैं आगे के नियम बताऊंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी जो विशेष ध्यान देने वाली है, जैसे बैठने वाली। सबसे पहले श्रोता बैठता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंच वाले हो, चाहे श्रोता जितने भी होते हैं सामने बैठने वाले। देखो कुछ बातों का ध्यान, जैसे कथा में स्थान, पहली बात कथा में स्थान की बहुत महत्वता, कथा में स्थान। दूसरा है कथा में ध्यान, जितनी देर हम कथा में बैठे ना, हमारा ध्यान कथा में ही होना चाहिए। कथा में स्थान कैसा हो, बोले सम्मुख होना चाहिए। आजकल लोग टीवी पर बड़े प्रवचन सुनते हैं, हाँ जो भी देखो महाराज, हमारे तो घर में ही प्रवचन आता, हम तो टीवी खोल लेते देखते, और हर घर में प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन असर कहीं नहीं हो रहा। हो रहा है लेकिन बहुत कम, क्यों? क्योंकि जैसे टीवी चल रही है, अब वहीं सोफा रखा है, पांव दुखने लगे तो हमने लंबे पांव कर लिए, वहीं बहू ने चाय ला के हाथ में दे दी, अब चाय की चुस्की भी लेते जा रहे हैं और महाराज की कथा भी सुनते जा रहे हैं। तो कुछ नियम क्रम नहीं हो पाता, टीवी के सामने बैठ करके सुन तो लेते हैं, लेकिन बराबर जो मर्यादित होकर के सुना जाता। और कथा में फल उसी का लगता है कि स्थान का महत्व इसलिए बताया गया कि नियम होना चाहिए, नियम वाले को पूरा फल प्राप्त होता है। नियम कैसा, सबसे पहले आसन लगा करके सुनना चाहिए, हाँ आसन लगना चाहिए। अब आज के समय में तो देखा जाए तो, हाँ महाराज ये देखा जाए, हमने देखा है कि करीबन करीबन समाज में 100% समाज में 40% समाज के लोगों के घुटने दुखते हैं। 40% का आंकड़ा निकाल सकते हो, 40, और बुजुर्गों तो छोड़ो, जवानों के भी घुटने दुखते हैं, जवान जवान ऐसे ऐसे मोटे हो गए खा खा करके, और बैठते नहीं बनता, टेबल कुर्सी घबराती है उनके मारे, घुटने दुखते हैं, चल नहीं पाते, तो घुटनों की बड़ी परेशानी। अब हम जब ये पहली बात कहते ना, तो लोग आके हमको मिलते, महाराज फिर हमको तो कथा का फल मिलेगा ही नहीं, आप तो बोलते हो पहले ही शुरुआत में कह दिया कि आसन लगाओ। आसन का मतलब है कि आप जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, स्थिर होकर के बैठो। आसन के कई प्रकार है, वो योगासन में आपको नजर आ जाएंगे, योगासन में सब विस्तार दिया गया है, योग में सब बताया गया है कि आसन के क्या प्रकार है, कई तरह के आसन होते हैं।
जिसमें सबसे अच्छा आसन पद्मासन। और पद्मासन में थोड़ी दिक्कत आवे तो सुखासन। अब सुखासन कौन सा आसन? जो सुख हो जाए, जिसमें आपके शरीर को सुख मिले, ऐसा सुखासन लगा लो। वैसे तो सुखासन ये जो हम लगा के बैठते हैं ना, ऐसे आलती पालती लगा करके, ये सुखासन ही है, इसको सुखासन बोलते। लेकिन दो आसन कभी नहीं लगाना चाहिए अगर कथा में आप जाते हो तो। मैं आज शुरुआत में ही बता दूं, ये क्रम तो पता नहीं दूसरे तीसरे दिन भी आए कथा में, लेकिन मैं आपको बता दूं आज प्रारंभ में ही, पहला आसन है जिसको कहते हैं अभिमान सूचक आसन। उसको लगा के बैठने से अपने घर में बड़े बुजुर्ग हो, हमसे ज़्यादा उम्र वाले हो, हमसे बड़ी उम्र वाले हो, हमारे चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, पिताजी हो, माता पिता तुल्य हो, या हमसे बड़ी उम्र वाले हो कोई, तो उनका भी सम्मान कम होता है अगर छोटी उम्र वाला उस आसन लगा को बैठे। और हमको पता नहीं है कि वो कौन आसन, इसलिए हम लगा लेते हैं, हम समझते हैं कि वो आसन अच्छा है। आपको पता है, आपको पता है अभिमान सूचक आसन? माताओं आपको पता, माताएं तो वैसे लगाती नहीं प्राय, हमने देखा नहीं, कोई कोई लगाती है हजारों में, पर पुरुष लोग ज्यादा लगाते। आगे आपको पता है, ये कुर्सी वाले को तो पता है ही नहीं, बेचारा कुर्सी पर बैठते। आपको पता है जो लगा के बैठे? नहीं पता ना। अभिमान सूचक आसन है, मैं बता देता हूं आपको, आप आगे से ध्यान रखिए। अब कुर्सी पे तो वो लगता ही नहीं है, नीचे बैठने वाले को ही लगेगा ऐसे। ये वाला जो नीचे वाला पांव है, बताना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे करके और ऐसे रख लेते, ऐसे दिख गया सबको, नजर आ गया, ये जो आसन। और ये बहुत सरलता से लग जाता है, इसमें कठिनाई भी नहीं आती है। हाँ, पांव दुखने लगता है तो सबसे पहले हम इसी आसन को लगाते हैं, क्योंकि सुखासन में बैठते बैठते पांव दुखने लगता है। अब पांव दुखने लगे तो हम इसी आसन पे आ जाते हैं कि थोड़ा पांव में आराम हो जाए। लेकिन सब आसन लगा लो आप, लेकिन ये इसको ये भी कह सकते हैं अर्ध पद्मासन, अर्ध पद्मासन भी कह सकते हैं इसको, आधा जो पद्मासन वाला भाग है उसको हम कहते हैं, इसको अभिमान सूचक आसन माना जाता है। इसको लगाने से व्यक्ति के मन में अपने आप अभिमान की जागृति होती, अहमता की जागृति होती, मैं ऐसा, मेरे पास सब कुछ है, हाँ, मेरे जैसा धनी नहीं, मेरे जैसा सुंदर नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, हाँ, मैं सम्मान नहीं, मैं समाज में इतना वर्चस्व रखता हूँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ तो मेरी इतने लोग बात मान, तो अहमता की जागृति इस आसन से होती है, इसलिए प्रायः इस आसन को लगाने की मनाई की गई है। ये आसन अपने सम्माननीय बुजुर्गों जनों के सामने नहीं लगाना चाहिए। कोई संत महात्मा आ गए, कोई विप्र देवता आ गए, कोई ब्राह्मण देवता आ गए, कोई अतिथि आ गए, या कोई हमारे सम्माननीय आ गए, उनके सामने ये आसन नहीं लगाना चाहिए। समझ में आ गया? आप तो नहीं लगाओगे आज के बाद? ओ भैया, सामने अब आज के बाद ये आसन नहीं लगाना। अब देखो, बुजुर्गों को तो हम कथा सुनाते हैं, लेकिन हमारी रुचि ज्यादा रहती है कि नौजवानों को कथा सुनाए, क्योंकि नवयुवक ही तो आगे ले जाएंगे भारत देश को, ले जाने वाले धर्म को ले जाने वाले फिर नवयुवक ही होते, वही आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे समाज के नवयुवकों को पूर्ण जागृति होना चाहिए। अन्य समाज में, अलग अलग धर्मों के लोगों में कितनी जागृति है साहब, हमारे यहाँ तो अन्य समाज के लोग टोपी पहनने में शर्म नहीं करते। अन्य समाज के लोग जो अन्य अन्य विलख विलख धर्म के हैं, पगड़ी पहनने में कोई शर्म नहीं करता, लेकिन हमारे समाज में चोटी रखने में शर्म करते हैं। सनातन धर्म में, हम हिंदू धर्म में चोटी रखना, माथे पर तिलक रखना, अरे हमारे शास्त्रों में क्या, मैं स्कंद पुराण की एक कथा आपको कहूँ, स्कंद पुराण की एक बात कहूँ तो कहूँ कि कथा में आया है कि जिस व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड होता, या तो त्रिपुंड हो या ऊर्ध्वपुंड हो, उस व्यक्ति को यम के दूत हाथ नहीं लगा सकते, स्कंद पुराण कहता है। हाँ, स्कंद पुराण में ये चर्चा आई है, माथे पर त्रिपुंड या ऊर्ध्वपुंड या बिंदी, जो शक्ति के आराधक है वो बिंदी लगाते हैं,
जो रामानंदी उपासी है वो लंबा लंबा तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड लगाते हैं, अलग अलग संप्रदाय के तिलक हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन माथे पर तिलक होना ही चाहिए। यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आजकल हम भूल गए, लोग तिलक लगाने में शर्म करते हैं। जब अन्य धर्म के लोग शर्म नहीं करते साहब, तो हम क्यों शर्म करते हैं? हमारे सनातनी धर्म को अपनाने में हमको कौन सी शर्म? मैं तो कहता हूं नवयुवा को धागा बांधना चाहिए, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। यह सनातन धर्म की परंपरा है साहब, हमारे यहाँ रक्षा सूत्र बांधने की अद्भुत परंपरा है, हमारे यहां पर तिलक लगाने की एक अद्भुत परंपरा है। लेकिन ये सब जागृति हमको जब हम सत्संग में जाएंगे, जब हम किसी गुरु की शरण में जाएंगे, तब जाकर के हमको जीवन जीने का तरीका मालूम पड़ेगा। अभी तक हम कैसे जी रहे हैं, आगे हमको कैसे जीना है, हमारे जीने से हमसे जुड़ने वाले लोगों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारी मंडली में, हमारी मित्र मंडली में हमारा वर्चस्व है, हम 200-500 लोगों को हैंडल करते हैं, तो अगर हमारे माथे पर तिलक होगा तो 500 में से 5 तो शिक्षा लेंगे कि हमारे साहब तिलक लगाते हैं तो हम भी तिलक लगाएं, तो कितना प्रभाव जाएगा साहब। सनातन धर्म का एक अद्भुत महिमा है, लेकिन हम भूल चुके हैं, हमको वो अपनाना चाहिए। तो आसन समझ गए, सुखासन में बैठना है। एक आसन और बताया था मैंने, वो पुरुष लोग प्रायः कम लगाते हैं, माताएं ज्यादा लगाती हैं। अब वो आसन भी मैं बता दूं, उस आसन का नाम है दरिद्र आसन। अब लोगों से मेरी प्रार्थना है, जिसका शरीर काम ना करे और जो ना बैठ पावे उनके लिए ये सब बातें नहीं है, जो जिनके अब घुटने दुखते हैं, जो नहीं बैठ पावे, अब वो तो भगवान के ही हवाले है कि भाई हमको कथा भी सुनना है, मजबूरी है, शरीर काम नहीं करता है, तो वो तो भगवान के सामने कैसे भी बैठ करके कथा सुन ले तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये सब बात उनके लिए है जो रोगी नहीं है, जिनका शरीर स्वस्थ है, जो अपना सकते हैं, जिनके घुटने बराबर काम करते हैं और काम करने के बाद भी उस आसन में बैठते हैं तो उनको दोष लगता है। हाँ, तो आप मन में ये भावना लाएं कि हम तो ऐसे ही बैठते हैं, अब कल से कैसे क्या आएंगे। अभी हम पिछली कथा शिव पुराण की कर रहे थे। हाँ, हमारे बालकृष्ण जी भगवान भी वहाँ पधारे थे, नलखेड़ा में आए थे ना। हाँ, पधारे थे माँ बगलामुखी मंदिर जहाँ पर है, और बड़ा आनंद है बगलामुखी धाम का। तो वहाँ पर नलखेड़ा में मुरली जी खंडेलवाल, उनके द्वारा वहाँ शिव पुराण का आयोजन हुआ था। तो शिव पुराण की कथा चर्चा में हम सुना रहे थे, बोल रहे थे कि अब शिव पुराण में आया तो सुना नहीं पड़ेगा, जो आएगा वो सुनाएंगे। उसमें लिखा सिर पे पगड़ी बांध के भी कथा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, सिर पे अगर पगड़ी रहे तो उसको दोष लगता है, उसका जो आने वाला कुल होता है ना वो कलंकी पैदा होता है, अभिमानी पैदा होता है, और फिर कलंक लगता है उसको। जो सिर पे पगड़ी बांध करके कथा सुनता है, तो 3-4 पगड़ी वाले बैठे थे पीछे पीछे, तो उनको जाने की जल्दी तो थी, और उनने सुना कि महाराज पगड़ी वाली की कह रहा है, तो निकल ही गए वो। चले गए। बाद में हमने आधी बात सुनी, हमारी आधी बात तो उन्होंने सुनी नहीं, चले गए। तो कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति को पूरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। जिसका शरीर स्वस्थ है, पूरा स्वस्थ है, उसके लिए पूरे नियम होते हैं, और जो अस्वस्थ है तो वहां नियम मान्य नहीं होता। तो दूसरा आसन है दरिद्र आसन। दरिद्र आसन भी मैं बता दूं आपको, ऐसे दोनों घुटने ऐसे खड़े किए और ऐसे करके बैठ गए। हाँ, ये वाला आसन है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ये आसन ना, अच्छा इस आसन हमसे तो लगता ही नहीं, ऐसे कई लोगों की तो आदत ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसे बैठना नहीं। और आप देखना, अगर जो दिन भर ऐसे बैठे रहेंगे उनके पास पैसों की बहुत कमी रहेगी। हाँ, आप गौर करना, आप अपने उससे देखना। तो ये आसन, हाँ अगर ज़्यादा ही पैर दुखने लगे तो ऐसे बैठो, आप आराम से ऐसे बैठ जाओ। हाँ, ये चलेगा, ये आधे में हो गए है ना, ऐसे बैठ सकते हैं।
अगर मुश्किल हो तो बाकी सुखासन से बैठिए, दरिद्र आसन ना लगाएं, दोनों घुटने खड़े करके दोनों हाथों से बांध ले, एक तो ये आसन और एक पैर ये वाला पैर उठा करके इधर पैर रख लेना, ये थोड़ा नहीं करना चाहिए। तो स्थान नियम होना चाहिए। दूसरा ध्यान, कथा में ध्यान लगा के ही कथा को सुनना चाहिए। तीसरा है ज्ञान, थोड़ा ध्यान ज्ञान, मन में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए जब कथा सुने ना, तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतना चाहिए, नहीं तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक अर्थ के कथा में कई अनेक अर्थ निकल जाते हैं। और मैं तो कई बार कथा के माध्यम से कहता हूँ कि लोग कहते हैं ना भागवत जी भागवत जी भागवत जी, आजकल तो भागवत में क्या होता है, दो चार पांच भजन गा लो, है ना, दो पांच भजन गा लो, बढ़िया अच्छे रसिया गा लो, नाच लो कूद लो और हो गई आरती कर लो, हो गई कथा, यही कथा रहती है। वास्तविकता में साहब भागवत भागवत है। जो भागवत को पढ़ता है, जो भागवत को गुरुमुखी होकर के पढ़ा है सुना है, भागवत के पहले पृष्ठ के नम्र निवेदन में एक श्लोक आया है, एक पंक्ति दी गई है, वो अद्भुत पंक्ति है। बोले भागवत की कथा कौन सुन सकता है, भागवत की कथा और भागवत को बोलने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, ये पहला प्रश्न है, पूरी संस्कृत में भागवत है, मूल पाठ है इसको बोलते हैं। और यहां एक प्रश्न है गीता प्रेस गोरखपुर का नम्र निवेदन, ये ऐसा आया है, पूरा संस्कृत में, ये पूरा संस्कृत इस प्रश्न पे ही आया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा, ऐसा एक शब्द आया। भागवत की जो कथा है विद्यावताम, ये किनका ग्रंथ है, बोले ये ग्रंथ विद्वानों का है, ये ग्रंथ ज्ञानियों का है, ये ग्रंथ भक्तों का है, ये ग्रंथ वैरागियों का है। विद्यावताम, अगर किसी विद्वान की परीक्षा करना है तो वो केवल भागवत में ही हो सकती है, अन्य ग्रंथों में नहीं हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, केवल केवल एकमात्र भागवत में ही किसी विद्वान की परीक्षा हो सकती है, बाकी अन्य ग्रंथ में नहीं हो सकती। ये इतनी मूल बात क्यों लिखी है, हमारे एक कथाकार है मध्य प्रदेश के ही, बड़े भागवत के अच्छे ज्ञानी प्रवक्ता है, अभी मुझे 8 दिन पहले 10 दिन पहले आश्रम पर आए थे, पधारे थे किशोरी कुंज आश्रम, वहाँ मिले और उन्होंने बड़ी सुंदर चर्चा करी और इतने महत्व की बातें उन्होंने मुझे बताई। उम्र में 60-65 साल के हैं, बुजुर्ग हैं। भागवत की कथा में कई श्लोक कई कथाएं ऐसी आई है जो सांकेतिक है, हाँ, केवल संकेत देकर के निकले सुखदेव जी, कई कथाओं को विस्तार नहीं किया है, कई बातों को कई चर्चाओं को विस्तार नहीं किया, केवल संक्षिप्त बना करके कह दिया, राजन अभी समय नहीं है, तुम्हारे पास केवल 7 दिन का टाइम है ना, तो ज्यादा लंबी कथा नहीं कह सकते, तो उस विषय को छोड़ दिया और संक्षिप्त करके वहां से आगे बढ़ गए। इस तरह से 7 दिन की, मैंने जब शिवपुराण का स्वाध्याय किया, मुझे शिवपुराण करना थी, तो शिवपुराण मैंने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन जब यहाँ कथा की तो शिवपुराण जब पढ़ा तो बड़ी सरल, और जो भी सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है ना, बड़ी सरलता से और एक एक बात को बड़ी सरलतम तरीके से सुनाया है और बड़ी सावधानी से सरलता से हर कोई समझ पाए, व्यक्ति को जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे उठना है, कितनी बजे उठना है, उठ के क्या क्या करना है क्या नहीं करना, सारी बातों का जो समाधान किया है, समावेश किया है, वो बड़ा अद्भुत है। लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है, भागवत में जो 12 स्कंद है उसमें बड़ी अद्भुत बातें बताई गई है और वो भी इशारों इशारों में बात बताई गई है। महाराज चिंतन करे व्यक्ति, ये चिंतन का विषय बना हुआ है, इसलिए लिखा विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत का वक्ता और श्रोता दोनों ही वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि भागवत का वक्ता भी अद्भुत होता है और भागवत का श्रोता भी अद्भुत होता है। इसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है, वैराग्य ही वैराग्य भरा पड़ा है, लेकिन शुरुआत होती है भक्ति से, क्योंकि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है और ज्ञान आ गया तो शायद उसको अहंकार आ सकता है, ज्ञानी व्यक्ति अभिमानी हो सकता है, घमंडी हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर भक्ति होगी और भक्ति से सना ज्ञान होगा
उसके अंदर अभिमान नहीं आएगा। इसलिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति ज्ञानी होगा, वैरागी होगा, तो उसको अभिमान नहीं आएगा। और भक्ति महारानी के ही पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। पहले भक्ति महारानी आवे जीवन में और फिर उनके पुत्र आवे तो अद्भुत आनंद होगा। और जिन्होंने बेटाओं को बुला लिया और माता पिता को कोई पूछे ही ना, तो उल्टा तो होना ही है। भागवत भक्ति प्रदान करने वाली है, तो ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग को प्रदान करने वाला ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, वांग्मय स्वरूप है। भगवान का दर्शन करना और भागवत जी का दर्शन करना दोनों बराबर ही माना जाता है। भगवान जब जाने लगे द्वापर युग में, आज से 5,000-5,500 साल पहले जब यहां से जा रहे थे इस धराधाम को छोड़ करके, तब उद्धव जी को कह करके गए, उद्धव मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद में मेरा जो स्वरूप है वो मैं श्रीमद् भागवत में छोड़ करके जाऊंगा, और जो भक्त लोग मेरी याद करेंगे, मेरी दर्शन की कामना रखेंगे, मेरा धाम प्राप्त करने की कामना रखेंगे, वो मेरी श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे और ये कथा सुन करके वो मेरे धाम को जाएंगे, ऐसा भगवान ने उद्धव को कहा है अपने मुख से। तो श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण विराजमान है, ऐसी भागवत की दिव्य कथा हम आज प्रारंभ कर लें। महात्म की चर्चा में केवल 2 श्लोक और 1 स्थान का महत्व करके वहाँ प्रणाम करके कथा का शुभारंभ कर देते हैं। आज प्रारंभ का दिन है, कथा भी देरी से हुई है, लेकिन कल से बराबर समय पर हम कथा का प्रारंभ करेंगे। आइए अब प्रारंभ का जो श्लोक है उसको सब लोग आसन लगा करके बैठे और श्रवण करें भागवत के महात्म का सबसे पहला श्लोक। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे। सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। यहां इस श्लोक में भगवान की वंदना कर रहे हैं। भागवत में सबसे पहले जो महात्म प्रसंग आया उसमें पहले प्रणाम की विधा है। हाँ, यहां से शुरुआत है। क्या करना चाहिए? व्यक्ति के जीवन में प्रणाम की महत्वता होना चाहिए। कोई भी शुभ काम करे तो सबसे पहले प्रणाम करे। कोई महापुरुष मिले तो सबसे पहले उसको हम प्रणाम करते हैं। ऐसे ही कोई कार्य का आरंभ करें तो प्रणाम करके करते हैं। यहां किसको प्रणाम किया? भागवत के जो प्रतिपाद्य देव है वो कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। जिसका रूप कैसा है? बोले सत चिद और आनंद स्वरूप। सद मने सत, सत्य जो कभी समाप्त नहीं होता। सत्य को कहते हैं जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जो जगत नहीं था तब भी था, जगत है तब भी है, और जगत नहीं रहता तब भी बचता है, वो है सत्य। परमात्मा सत्य का स्वरूप है। दूसरा है चिदंश। भगवान का जो अंश है चिद है, चिद स्वरूप है। चिद मने होता है प्रकाश। हमको उजाले की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान को किसी से उजाला लेने की जरूरत नहीं। उनके तो रोम रोम में से ही करोड़ों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है, ऐसे वो परमात्मा है, प्रकाश पुंज। चिद रूप है, सद रूप है, और तीसरे हैं भगवान आनंद के रूप। आनंद रूपाय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बना कैसे? सद चिद और आनंद, ये तीनों को मिला करके बना है सच्चिदानंद। तो भगवान का रूप है सच्चिदानंद। कार्य क्या है उनका?
बोले विश्व का उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और आखिर में विश्व का संहार करते हैं। विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा रूप में, पालन करते हैं नारायण रूप में और संहार करते हैं शिव रूप में। तो ये भगवान का कार्य है। भगवान के पास में जाने पर कौन कौन कष्ट समाप्त होते हैं ये भी बताया। बोले तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरण में जो चला जाता है उसके तीनों ताप नष्ट होते हैं। तीन ताप कौन से हैं मैं आपको सरल भाषा में बता दूं, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक, तन मन और धन। ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तन मन धन। आपने दोहा सुना होगा, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। कौन सुखी है? जो राम जी के दास है। बाकी तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। खूब धन होगा तो बीमार होने लगेगा व्यक्ति, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो बीमारियां आने लगेगी। हमने ऐसे लोग देखे कि रुपया पास में है ही नहीं। मैंने उसको पूछा, तुम्हारा सिर कभी दुखा? एक 60-65 साल के बुजुर्ग से, बुड्ढे बाबा से मैंने पूछा, मैं बाबा तुम 65 साल के हो गए, अच्छा पहले हमने आकलन किया इसकी जेब में कुछ रहता है कि नहीं, देखा फक्कड़ था बिल्कुल, कुछ नहीं उसके पास। मैंने पूछा, बाबा आप कोई गोली वोली खाते हो? कहाँ गोली। मैंने कहा कभी सिर विर दुखता है? बोले 65 साल की उम्र हो गई महाराज, आज तक सिर नहीं दुखा कभी। हाँ 65 साल हो गए हैं। मैंने कहा सब आनंद है? बोला आनंद तो है लेकिन बस रुपया पैसा है नहीं। हमको तुलसी बाबा की चौपाई याद आ गई, तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। शरीर से तो स्वस्थ है लेकिन पैसे से वो दुखी है। पैसे वाले को देखा तो रुपया तो खूब है लेकिन तन से बीमार है, धन तो खूब है लेकिन तन स्वस्थ नहीं है। और हमने देखा कि थोड़ा सा समाज के अंदर देखे तो सही, जो जो दोहा लिखा है कितना सटीक बैठता है। तो एक गांव में हम गए थे, वहां देखा तो एक गांव के सेठ जी थे, तो वो खूब काम भी करते थे, मेहनत भी करते थे, कृषि का कार्य भी करते थे, तो तन से भी स्वस्थ थे और पैसा भी खूब था। लेकिन एक दिन हम उनके घर में देखे तो उनके जो बेटा बहू थे वही उनकी बात ना माने, उनके जो परिवार वाले थे वही बात नहीं मानते थे। तो सेठ जी हमको बोले कि सब आनंद तो खूब है, भगवान का दिया सब है, शरीर भी सुरक्षित है, लेकिन क्या करें महाराज, ये छोरा बड़ा हो गया, ये हमारी बात ही नहीं सुनता, ये बड़ा जो बेटा है इसके बहू आ गई, बात ही नहीं, छोरा छोरी बात ही नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं मानते। तो सब आनंद तो है लेकिन मन में यही दुख रहता है कि ये लोग कोई बात ही नहीं मानते हमारी, घर में उनकी कोई इज्जत ही नहीं। तो इतना होने के बाद में भी मन से वो दुखी थे। तो हम समझ गए, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। तो सुखी तो वही है जो राम जी का दास है। तो ठाकुर जी के शरण में जाने पर तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाले ऐसे कौन हैं? बोले श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहां पर संकेत देते हैं हमारे संत, कहते हैं श्री मने राधा और कृष्ण, श्री राधा कृष्ण दोनों को वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। पहला स्थान भागवत में ठाकुर जी का है, दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन दूसरा स्थान दे रहे हैं, भागवत बता रही है व्यक्ति को किस तरह जीवन में व्यवहार करना चाहिए। पहला स्थान भगवान का है
और दूसरा स्थान है अपने गुरु भगवान का, दूसरा स्थान आता है गुरु भगवान का। गुरु के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन गुरु ही भगवान तक पहुंचाता है। जो स्थान है जाने का, मिलने का, वो है परमपिता परमात्मा, लेकिन जो रास्ता बताते हैं, जो डोरी बांधते हैं, जीव आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला जो बंधन जो जोड़ते हैं, जो डोरी जोड़ते हैं, जो संसार की डोरी से विमुख कराते हैं, जो संसार के बंधन को तोड़ते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं, वो हैं सद्गुरुदेव भगवान। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भागवत के आराध्य देव हैं श्री राधा कृष्ण, और जो भागवत के गुरु हैं वो कौन हैं, उनको प्रणाम किया जा रहा है। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूतरदयम मुनिमान तोस्मी। द्वैपायन व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान ही श्री भागवत के प्रतिपाद्य गुरु है। राधा कृष्ण इष्ट है और गुरु है सुखदेव जी, व्यास जी के पुत्र हैं। जन्म लेते ही ना माँ की तरफ देखा ना पिता की तरफ देखा, माया का स्पर्श भी नहीं हुआ और सीधे जंगल की ओर चले गए। पीछे पिताजी भाग रहे हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन पीछे देखा भी नहीं मुड़ करके। तब जो जड़ थे वृक्ष वो बोल पड़े, बोले किसके पीछे भाग रहे हो, ये तो साक्षात ब्रह्म के ही अवतार हैं, ये तो परब्रह्म हैं जो दुनिया में गुरु बनकर के पधारे हैं, सद्गुरुदेव बनकर के पधारे हैं। ऐसा सुनकर के व्यास जी वापस लौट गए अपनी कुटिया को। ऐसे द्वैपायन नंदन व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान जो सबके हृदय में वास करने वाले हैं, सर्वभूत हृदयम और मुनियों के भी जो महामुनि हैं मुनिमान तोस्मी, ऐसे व्यास नंदन श्री सुखदेव भगवान को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी की वंदना करी। इसके साथ बड़ा प्यारा स्थान है नेमिसारण्य धाम। नेमिस धाम की बड़ी पावन भूमि है, धेनुमती के तीर पर बड़ा सुंदर नेमिसारण्य धाम बना हुआ है। वहाँ पर भी इस शरीर के द्वारा कथा का आयोजन वहाँ कथा रहा, कथा का बड़ा सुंदर आनंद वहाँ पर रहा। गंगा गोमती मैया, गोमती मैया का किनारा है, और हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर आयोजन हुआ था, बड़ा दिव्य आयोजन। राजस्थान के भी कई भक्त लोग उसमें पधारे थे। सो नेमिसारण्य की बड़ी पावन भूमि में 88,000 संत महात्मा निवास करते हैं, और 88,000 महात्माओं के मध्य में श्री सूत जी महाराज का वहाँ आगमन होता है और सभी महात्माओं ने उनको प्रणाम किया। बोलिए संत भगवान की जय। और सूत जी महाराज को प्रणाम करके सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न किया, क्या उसका उत्तर दिया, ये सब कथा हम कल कथा के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज कथा को हम यही विराम देंगे। आइए आज कथा को यहीं विराम की ओर ले चलें, आरती की तरफ चलेंगे। उससे पहले 2-5-10 मिनट के लिए भाव से ताली सेवा करते हुए, हरि नाम का उच्चारण करते हुए, गोविंद भगवान को नमन करते हुए आरती का दर्शन करेंगे। और एक में विशेष निवेदन करूं, बड़ा सुंदर ये समय चल रहा है, रामनवमी से हनुमान जयंती तक, चैत्र सुदी नवमी से चैत्र सुदी पूर्णिमा तक ये दिव्य आयोजन चलेगा। आज उसका प्रथम दिवस है। 10 क्या चल रहा है अभी, कौन सा अंग्रेजी महीना, अप्रैल, हाँ 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक, 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये चलेगा आयोजन सुंदर दिव्य। और जितनी माताएं बहनें आई है तो अपनी कॉलोनी में से एक एक मैया को और पकड़ के लाएं। हाँ देखो, कथा सुनने का जितना फल मिलता है ना, उतना ही सुनवाने का भी मिलता है। जैसे आयोजक कथा कराते हैं तो इतने आनंद ले रहे हैं, उसका पुण्य फल आयोजक परिवार को भी मिलता है,
आपको तो मिलता है लेकिन उसका 10वां अंश आयोजक परिवार को जाता है। वैसे ही जब कथा चलती है तो हम श्रोताओं को प्रेरित करते हैं चलो कथा सुनने के लिए, तो उसका 10वां अंश हमारे खाते में भी जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हम सबको अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त करना है, कथा का आनंद प्राप्त करना है। आइए अब कथा विराम लें, उससे पहले ठाकुर जी का भजन गाएं, उसके बाद में फिर आरती का दर्शन करेंगे। मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत सेवा करते दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने रे, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, श्री राधे छवि लखी मैंने श्याम बावरी में तो तब से बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने तब से, कैसी पागल प्रीत रंग प्रीत दुनिया क्या जाने, हरि बोल, भाव से ताली सेवा करें, आनंद लीजिए। सुंदर सूरतियाँ, ओ मोहन की सुंदर, लोग कहे मैं तो भैरे बावरिया, लोग कहे मैं तो भैरे बावरिया, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, ओ जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, छोड़ी जग मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने रे, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी रे श्याम संग प्रीत दुनिया, प्रीत दुनिया क्या जाने रे, क्या जाने रे दुनिया क्या जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बंसी वारे की जय। आइए यहीं कथा विराम ले रही है, कथा विराम ले, विराम के समय में प्रारंभ में भी हम महामंत्र का जाप करते हैं, और जब विराम होता है तब हाथ खड़े करके समर्पण भाव से महामंत्र का जाप करते हैं। महामंत्र जो आप लोग सुन करके बोले मेरे पीछे पीछे, पहले सुने बाद में बोले,
मंत्र होता है, एक महामंत्र होता है, जो हम शुरुआत में और विराम में बोलते हैं ये महामंत्र है, और महामंत्र में कोई अशुद्धता नहीं रहना चाहिए। इसलिए पूरा सुन करके आप मेरे पीछे पीछे हाथ खड़े करके मेरे साथ सभी लोग बोले, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती का दर्शन करें, केवल यजमान आ जाएं और बाकी सब आप नीचे से ही आरती ले लें। बिहारी तोरिया तेरे शीश के सोने प्यारी मनुष्य मेरो मन मोहे, ओ प्यारी मनुष्य मेरो मन मोहे, एक छवि प्यारी मैया के बिहारी तोरिया आरती गाओ, चरणों से निकली गंगा प्यारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
प्रवाल तुलसी दलवलधी स्वा पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्र विषपाञ्जलि श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु श्री भागवत चरणार्पणमस्तु बोली बाल कृष्ण भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जगदीश महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का स्वधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ